ये कहाँ पे आ गया मैं? कौन सी जगह है? हेलो हेलो, कोई है? मैं हूँ एपीसी उपमन्य मुंबई का टॉप क्लास पुलिस। पर मेरे को क्यों पकड़ा है? जुर्म करने के लिए तुम्हें इस हाई सिक्योरिटी जेल में डाला गया है। मेरा अपराध कैंप पर। तो इस आदमी का जुर्म ये है कि धारा 1 करोड़ 290 के तहत इस शख्स ने यूट्यूब नामक प्लेटफॉर्म में बहुत ही कम वीडियो डाला है, और यही तक नहीं, लेट वीडियो डाल डाल कर ऑडियंस को निराश कर दिया है। तो इसी के जुर्म में इस शख्स को हमने मुंबई के हाई सिक्योरिटी वाले जेल में कैद कर दिया है। है? अबे ये कौन सा जुर्म होता है भाई? ये जुर्म है, जुर्म है ये। फिर मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? अब सजा की है तो भुगतना तो इसे ही पड़ेगा ना। अरे भाई मेरा हाथ तो खोल के जा। अरे अरे भाई, अरे अरे भाई, डीसीपी एसीपी, अरे रुक जा, अबे रुक जा भाई। अबे यार ये कहाँ फंस गया यार, ये क्या लग गया मेरे पीछे? अबे तो नकली हथकड़ी थी। हथकड़ी के नाम पे रस्सी बांध दिया है यार, साले कुत्तों की जिंदगी। भाई ये असली जेल है क्या यार? एक सेकंड दीवार को मार के देखूं। अबे ये तो कड़क है, इसको तोड़ पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को यार। पर ये कौन सा भाई क्राइम होता है कि जो वीडियो लेट डाल रहे हो यार? ये कोई क्राइम होता है? शायद होता रहेगा, मुझे नहीं पता। ये इतना गर्म क्यों है जगह? यहाँ पे कम से कम पानी तो रखा हुआ है भाई, पानी पीते हैं। हेलो, अबे इसमें तो पानी भी नहीं है। प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। भाई ये कैसा जेल है भाई? ये कितना जुर्म कर रहे हैं लोग यहाँ पे? क्या जुर्म है इसका? ओके, और ये क्या है? ये तकिए और चद्दर है, मतलब रात भी हम लोग को यहीं पे गुजारनी है। घंटों तक इधर उधर घूमने के बाद फाइनली रात हो जाती है। फिर क्या, मैं रात को सो जाता हूँ। मिलते हैं अगली सुबह। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। भाई भाई 2 दिन से कुछ नहीं खाया यार, इन लोग ने पानी भी नहीं रखा यार, ये कौन से जुर्म में डाल दिया मुझे? ओ भाई डीसीपी, अरे एसीपी, अबे कहाँ पे भाई? अरे सर, आप सर, मेरे को कब से भूख लगी थी सर, यहाँ पे देखो सर, पानी भी नहीं है सर। तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया ना? नहीं सर। तेरा जुर्म भी इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे लिए स्पेशली डोमिनोज का पिज्जा लाया है। सर थैंक यू, सर थैंक यू। चलो उस पिज्जा को खोलते हैं। अबे ये पिज्जा के नाम में तो सूखी रोटी है। और पिज्जा तो मैं खाऊंगा, तू खाएगा सूखी रोटी? बहुत अच्छे। सर सर, पर यहाँ से बाहर कैसे निकले सर? मुझे घर पे जाना है सर, प्लीज सर बताओ, कुछ तो बताओ सर। यहाँ से निकलना कैसे है वो मैं बताता हूँ तुझे। तो यहाँ पे कोई और भी बताएगा? तू YouTube पे चैलेंजेस करता है। Yes, yes, yes. तो मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ, तो तुझे 10 पॉइंट जमा करना है। यहाँ पे बहुत सारे टास्क रहेंगे, बहुत से मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे टास्क रहेंगे। हर एक टास्क से तुझे 3 पॉइंट मिलेगा, और अगर तूने 10 पॉइंट ले लिया तो इस जेल से बाहर चले जाएगा। मतलब कि मैं जेल से छूट जाऊंगा? बट याद रहे 10 पॉइंट करना है, और टास्क सिंपल नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड है। नहीं, मैं रेडी, मैं टास्क करने के रेडी हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं हमेशा के लिए रहना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बंदे का चैलेंज ये है कि इसको 100 मीटर दूर से इस तरबूज पे फायर करना है, और अगर इसने कर दिखाया तो इसको 3 पॉइंट मिलेंगे। ये बंदूक सच का फायर करता है, करके दिखाऊं? ये देखो, क्यों डर गए ना तुम लोग? खतरनाक है कि नहीं ये बंदूक? चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, लगा तो ठीक है, नहीं तो भाई जेल में जाना पड़ेगा। 3, 2, 1 यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तरबूज के टुकड़े टुकड़े हो गए,
मतलब ना चाहते हुए भी इस बंदे ने एम सही लगाया और 3 पॉइंट मिलते हैं। या भाई पहला तो चैलेंज हम लोग ने कंप्लीट किया है, अब देखते दूसरा क्या होता है। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी प्राइजेस जीतो भी Lotus365.in पे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन मैच या हु विल विन टॉस जैसे 50 प्लस तरह के क्वेश्चंस में आप अपना ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज जीत सकते हो। Lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 124 hours का कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन है जहाँ आप अपने ओपिनियन दे के जीत सकते हो बहुत सारे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए Lotus365.in पे। तो मैं हूं एसीपी अबू दुनेम और आ चुका हूं जोलो चिप्स के साथ। अब चैलेंज ये है कि अगर हमारे कैदी ने इस जोलो चिप्स को खा लिया तो उसे 3 पॉइंट मिल जाएंगे। बट आपको क्या लगता है, इसे खाना बहुत ही आसान है? अरे यार तुम गलत हो, ये बहुत ही तीखा चिप्स है। दुनिया के हर एक कोने कोने में हर एक लोगों ने इस चिप्स को खाया है और तीखा होने के साथ ही साथ इसे खाने के बाद तुम मर भी सकते हो और ये हमारा कैदी खाने वाला है। चलिए तो ये रहा जोलो चिप एंड ये रहा कैदी। मैं नहीं खाने वाला जोलो चिप्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें जोलो चिप्स खाने के बाद बहुत ही खतरनाक हालत हो जाती है भाई। मैं नहीं खाने वाला, मेरे को जेल नहीं देना है, मुझे नहीं चाहिए 3 पॉइंट। दूसरा चैलेंज भाई मैं नहीं खाने वाला। बट क्या हो अगर मैं तुझे पूरे के पूरे 3 नहीं 4 पॉइंट दे, मतलब इसके बाद एक और चैलेंज अगर मैं जीतता हूँ तो मैं जेल से छुट्टी ले लूंगा। एग्जैक्टली, बड़ा रस तेरे पर है क्योंकि इस पे साफ साफ लिखा गया है Do you dare? यानी कि dare. तू मेरी फाड़ क्यों रहा है भाई? अगर 4 पॉइंट चाहिए तो सब करना पड़ेगा, बाकी सब तेरे पे। मैं चला अपने रास्ते, तेरे पे खाना होगा तो खा। What the heck? तुम लोग इसका पैकेट ही देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है। ये बंदे लोग ने कैमरा लगा के रखा है लिटरली, मेरे लोग मेरे को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। तो मेरे को ये सब पूरा ही खाना पड़ेगा, मैं आधे में छोड़ भी नहीं सकता यार। तो चलो 4 पॉइंट्स के लिए खाना ही पड़ेगा। ओके ये चिप्स को खोलते हैं, मैंने ऐसा पैकेट कभी नहीं खानी है पहले यार, मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहा हूँ और वैसे मुझे तीखी चीजों से एलर्जी है। ओके फाड़ते इसके सील को। ओ माय गॉड, एक चीज तो मुझे अभी याद आई कि यहाँ पे तो कहीं पे पानी नहीं है। अच्छा मर भी ना जाओ यार गलती से। इसको फाड़ते हैं। Oh my God, मैंने सिर्फ पैकेट को फाड़ा है, मुझे तीखी तीखी लगने लग गई हूँ। भाई चिप्स खाने के बाद क्या होगा? ये चिप्स लाल होना चाहिए, ये ब्लैक कलर में क्यों है? बस ये इतना सा चिप्स है एंड लिटरली मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इसे खाने से नहीं इसे सूंघने से ही मिर्ची लग रही है। मैंने इसे अभी तक खाया नहीं पर मुझे तीखा क्यों लग रहा है? तो ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा ही बाइट लेने वाला हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे यार ये तो पानी नहीं था। मैंने इतना सा बाइट खाया है, इतना सा, एंड मुझे इतना ज्यादा तीखा लगने लग गया और मुझे पूरा खत्म करना है लिटरली। मैं पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा पर मैंने अभी तक बहुत थोड़ा खाया था, अब थोड़ा सा और खा के देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा पीस मैं अपने मुंह में डालने वाला हूँ। ओ भाई एसीपी डीसीपी भाई, तेरे चैलेंज को कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जय श्री राम। मुझे पानी चाहिए, मुझे भाई मुझे हिचकी आ गई, ऊपर मैं बोल भी नहीं पा रहा भाई, बहुत ही खराब लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, मेरी जीभ भी लाल हो चुकी है एकदम। मेरा आंखों से भी आंसू निकल रहा है। बस बस
बस इसे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, बस चैलेंज कंप्लीट होता है। मैंने एक पीस पूरा खा लिया है, कंप्लीट होता है। भाई गर्मियों के मौसम में कितना ज्यादा गर्मी रहता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और यहाँ पे ये बंदे ने फैन भी नहीं चालू करके रखा यार, ये फैन लगा है कि भाई, भाई ना पीने के लिए पानी है भाई, इतना जोड़ो चीज का है, कितनी गर्मी लग रही है यार, कुछ करो यार। रेसिपी क्या हो रहा है तुझे? गर्मी गर्मी, एक मिनट अब ये ले ठंडा ठंडा बर्फ, अभी इसकी गर्मी निकलेगी आराम से इस बर्फ की मदद से। ये क्या है? ठंडी चाहिए था ना तुमको, यहाँ पे गर्म हो रही है तुमको, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बर्फ लाया। थैंक यू सर, अभी बर्फ में मुंह लगाऊंगा। मुंह नहीं, इसलिए कुछ और लगाना है। अगर तू इस बर्फ पे नहीं बैठा तो -5 पॉइंट। अगर मैं इसके ऊपर नहीं बैठा तो -5 हो जाएंगे। और बैठा वो तुम कमेंट में बता दो, बैठा तो क्या हो जाएगा। और फन फैक्ट, ये बर्फ अलास्का से भी ठंडा है। ये कुछ ज्यादा हो गई। बैठ, बैठ इधर। 10 सेकंड है इसके पास सिर्फ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 सेकंड के लिए उठना मत यहाँ पे। अच्छे से अंदर दबा के, हाँ हाँ, ये लेट्स गो। एडिटर टाइमर, टाइमर डाल दो, कोई टाइमर अभी तक टाइमर स्टार्ट हुआ है। 1, 2, 3, 4 अरे उल्लू बनने नहीं बोला था बे, भेड़िए। ओ भाई जम गया भाई, पिछवाड़ा जम गया मेरा, पिछवाड़ा जम गया। ओ भाई सेवन। अरे यार ये 0.7 क्या होता है? 7.6 भाई जल गए। 0.7 जम गई, जम गई। 7.8 अरे यार ये कैसे गिनती है? 7.8 पिछवाड़ी का तो कुल्फी बन गया भाई, बटाटा कुल्फी। अभी तो बैठने के लायक भी नहीं बैठा मैं। 2000 years later तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, एंड जो कैदी है वो कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब आवाज ही नहीं आ रही यार। देखते हो घर क्या रहा है एक्चुअली। क्या चल रहा है? आवाज व्यवस्था कुछ आ नहीं रही है। मैं इधर रैप लिख रहा था सर। ओ कौन सा रैप? सर सुनो, या जेल 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 है ये भाई, जेल खेल 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 रही भाई, जेल जेल में अपना राज है चलता, भाई भाई हर सब कोई मुझे बोलता, जेल 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 है ये भाई, जेल खेल 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 रही भाई, जेल मेरे इशारे पे काम है चलता, दुनिया दाढ़ी भाड़ में चलता, जेल 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 है ये भाई, जेल खेल 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 रही भाई, जेल। क्या रैप है? तुझे तो कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पर है, यहाँ पर है। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। सो अब इस कैदी के पास लास्ट मौका है और हम खेलने वाले हैं। क्या तुम रेडी इस गेम के लिए? ऑब्वियसली भाई, ये लास्ट मौका है और मैंने एक्चुअली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट जमा भी कर लिए, एंड बस मुझे 3 पॉइंट चाहिए तो मैं आजाद हो जाऊंगा। बट इसको लगता है कि ये 3 पॉइंट से आसानी से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। ये है एक माइंड गेम। माइंड गेम से मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे टोटल 5 स्क्वायर है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये पांचवा जो कि सबसे ज्यादा बड़ा स्क्वायर है। अब तुझे ये 5 स्क्वायर को 7 स्क्वायर करना है, बट एक चीज याद रहे, सिर्फ तू यहाँ पे 2 ही डंडी को मूव कर सकता है। मतलब ये सारे स्टिक में से मुझे कोई भी 2 डंडी को मूव करने, एंड ये 5 स्क्वायर के बदले 7 स्क्वायर होने चाहिए। एग्जैक्टली, बट याद रहे सिर्फ 2 डंडी मूव हो सकती है। मेरे पास कितने चांस है? सिर्फ और सिर्फ 3 चांस। यहाँ पे 5 स्क्वायर, अगर मैं ये स्क्वायर को ऐसा कर दू और ये स्क्वायर को ऐसा कर दू, अरे पूछो ये क्या बना है, स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा है इसको। एक चांस इसका जा चुका है, सिर्फ 2 चांस बचे हैं। ओके 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 ओके, अगर मैं इसको उठाऊं और ऐसे कर दू, और इसको उठाऊं और ऐसे कर दू, यस ये हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 ये रेक्टेंगल को भी स्क्वायर ले लेना, ये रेक्टेंगल थोड़ी ना स्क्वायर है। एक और चांस इसका जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही चांस बचा है, मतलब कि मुझे अभी परफेक्ट स्क्वायर करना है। अच्छा ये कैसे हो सकता है भाई?
तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सोचना रहेगा, अपनी पूरी दिमाग की ताकत लगानी रहेगी। एंड अगर मैं एक सिक्को उठाऊं और ऐसे रखूं, अब ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है समझ गया। पर अगर मैं एक स्टिक को उठा के ऐसे रख लूं तो अब ये स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओ, मतलब कि अभी मैं जेल से रिहा हो चुका हूं। वाह, फाइनली मुझे आजादी मिल चुकी है। हैप्पी रिपब्लिक डे। और वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी लिटरली में लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और अपनी तरफ से कमेंट कर देना। एंड यस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल।